यहाँ पर कलर कोड नहीं लिखा। अरे वाह अरे वाह, क्या आदमी। अभी मैं इनको कैसे बताऊँ, बुक में देख के बताना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको आखिरी में दिखा रहा हूँ इसका बेस कोड टॉप कोड कौन सा है। ठीक है दोस्तों, ये है रॉयल लग्जरी इमोशन। अभी मैं एक लीटर पानी मटेरियल में कितना पानी मिला था आप ये भी देखिए। मैं एक लीटर मटेरियल में 200 ग्राम ही वाटर मिक्स करता हूँ। इसमें भी मैं हाफ लीटर लिया तो इसमें मैं 100 ग्राम ही पानी मिक्स करा, क्योंकि मैं एक लीटर में अक्सर 200 ml वाटर मिक्स करता हूँ, उससे ज़्यादा मिक्स नहीं करता हूँ। क्यों बोले तो यार, मेरे ब्रश क्या ना आसानी से घूमे और मेरी जो फिनिशिंग भी है आसानी से दीवार के ऊपर आ जाएगी, और अपन जब टॉप कोट चढ़ाते हैं ना वो भी कहना अच्छी तरह स्मूथ से रोलर घूमेगी अपनी टॉप कोट। दोस्तों अपने को कहना ज़्यादा पानी मिला के पेंट को बचाना नहीं है, और पेंट बचाने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये जो है ना मेरे पुराने डब्बे, और इसमें जो पेंट था वो बहुत कम था, इस पेंट में डब्बे में इतना था और इस डब्बे में इतना ही था। तो ये दोनों मिलाकर मैं ट्रे में डाल दिया, और इसमें मुझे पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों बोलते इसमें पहले से पानी मिला हुआ है। तो दोस्तों मैं अभी इसके ऊपर जो कोड है ना आपको बता देता हूँ। ये जो कोड है ना यार 7429 है, शायद आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा मगर यहाँ पर दिख जाएगा 7429 है। ठीक है, ये है 7429 नॉन मेटालिक है दोस्तों। अभी बारी है यार अपने को रूलर। हाँ दोस्तों, अपने को रूलर के बारे में आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बोले तो कौन से रूलर से अपने को टॉप कोट चढ़ाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए ये है अपना रॉयल रूलर, ये रॉयल रूलर इस्तेमाल करके अपने को दीवार के ऊपर टॉप कोट चढ़ाना पड़ता है, ताकि लंबे बालों वाले में ये ब्रश की साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, क्यों बोले ब्रश से अपने को काले एजेस पे ही काम करना पड़ता है। ठीक है, अभी टेक्सचर किससे मेकिंग करते हैं, यहाँ पर देखिए ये स्पंज, इस स्पंज से अपन टेक्सचर मेकिंग कर सकते हैं, और ये स्पंज आके 10 रुपये का है, और ये क्या कि अपने को कौन से भी हार्डवेयर दुकान में मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, ये स्पंज 10 रुपये का, कौन सा भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ भी यहाँ पर आपको छोटा सा पीस डाल के दिखाने वाला हूँ, ताकि लंबा मैं डालूंगा तो यार आप लोग देखते भी नहीं, उसके लिए मैं क्या कि आपको छोटा सा पीस डाल दूंगा, फिर बाकी बाद में पूरे का पूरा दीवार कंप्लीट में करे बाद में आपको इमेज मतलब दिखा के टेक्सचर मेकिंग करूंगा। और ये टेक्सचर क्या ना मैं तो नहीं मेकिंग करूंगा, ये जो वीडियो निकल रहा है आर्यन है हमारा भाई, ये हमारा भाई आर्यन ये टेक्सचर मेकिंग करेगा, और उनको मैं साइड में रखे गाइड करूंगा पूरे के पूरी तरीके से। और देखिए यहाँ पर मेरी जो टॉप कोट है पूरी के लिए पूरी कंप्लीट हो चुका है, और मैं ये जो टॉप कोट है 2 टाइम चढ़ा रहा हूँ, ताकि मेरी टॉप कोट है ना दीवार के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा डार्क दिखे जैसा। और दोस्तों ये जो अपन टेक्सचर मेकिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या टॉप कोट इवन आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों बोलते ये जो स्पॉन्ज से क्या ना अपन पूरे के पूरे दीवार को ऐसा पोंछते ना, वैसे पोंछने का काम करने वाले हैं अपन। तो भाई लोग ये जो ना पूरे के पूरे टॉप कोट कंप्लीट हो चुका है, अभी इस पर क्या ना मैं टेक्सचर मेकिंग करने वाला हूँ, मतलब मैं बोले तो मैं नहीं, ये जो वीडियो निकल रहा है ना आर्यन मेकिंग करने वाले, पूरे के पूरे दीवार के ऊपर आर्यन ही मेकिंग करने वाला है। मैं क्या कि पहले आर्यन को बताऊँगा ये टेक्सचर कैसे मेकिंग करना, थोड़ा सा जगह पर यहाँ पर मैं बताऊंगा आर्यन को टेक्सचर कैसे मेकिंग करना, फिर बाद में पूरे का पूरा टेक्सचर आर्यन मेकिंग कर रहा है करेगा जो अभी वीडियो निकल रहा है, फिर बाद में मैं वीडियो निकालूंगा और मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो लाइव भी करने के लिए। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर टेक्सचर में जो मेकिंग कर रहा हूँ ना यार, जो टेक्सचर में क्या ना ये पूरे के पूरे पैटर्न्स कितने रहते हैं, 4 पैटर्न रहते, मतलब ये स्पॉन्ज से अपना 4 पैटर्न भी मेकिंग कर सकते हैं। देखिए पहला पैटर्न क्या कि ये है, ये जो है ना मेरा बहुत फेवरेट पैटर्न है 8। ओके, यहाँ पर 8 अपन घुमाएंगे तो ये पैटर्न बन जाती है, ये स्पंज से अपन 4 पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। पहला वाला पैटर्न ये है, ठीक है, पहला वाला पैटर्न ये तो नहीं है, अपने को रॉयल प्ले बुक में मिल जाता कलर वॉश, वो है पहला वाला पैटर्न, ये क्या कि मैं क्रिएट करा। अभी सेकंड पैटर्न देखिए, ये स्पंज क्या ऊपर लगा के सीधा मारना, सीधा ऊपर से सीधा लेते लेके आना, ऐसा भी स्ट्रोक्स बनते हैं ना अपन टेक्सचर निकालते टाइम, वो स्टीयर टेक्सचर निकालते टाइम ट्रैवल कैसे घुमाते, ऐसे सेम टू सेम घुमाना। ये हो गया पैटर्न 1, 2, 3 पैटर्न हो गए, अभी अपने डालना है 4।
मतलब पैटर्न नंबर चार अभी अपने को यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों ये जो पैटर्न है चार नंबर डालने वाला, तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसा लगा दें जहाँ था कि अभी मैं यहाँ पर मेकिंग कर रहा हूँ ना, स्पॉन्ज को ऐसे लगा देके एक राउंड सर्कल बनाते 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 स्पॉन्ज को उठा देना, ठीक है। वो घुमाना है, वो अक्षर घुमाते घुमाते हुए स्पॉन्ज के बीच में ला के उठा देना, ठीक है। ये जो पैटर्न है दिखने में फ्लावर जैसा बनता है दोस्तों, ठीक है। ये जो पैटर्न है दिखने में बिल्कुल फ्लावर जैसी दिखती है, ठीक है। सो यहाँ पर बन गए चार पैटर्न। अगर आपको कौन सा पैटर्न अच्छा लगा यार, हो सके तो आपको वीडियो के आखिर में कमेंट करके बता सकते कौन से पैटर्न आपको अच्छे लगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो वो पैटर्न आपको फुल टू फुल बना के दिखा दूंगा। फ्रेंड्स कमेंट करना भूलना नहीं दोस्तों, अच्छी लगी बुरी लगी तो भी बताना मुझे कमेंट करके। सो यहाँ पर हो गए चार के चार पैटर्न, तो एक स्पंज से अपन चार पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम ये पूरे के पूरे दीवार के ऊपर ये पैटर्न क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। ये जो है ना अभी यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, पूरे के पूरे दीवार के ऊपर ये पैटर्न क्रिएट करना है, ताकि ये पैटर्न क्रिएट करना बहुत आसानी है। स्पंज को ऊपर से लाते हुए नीचे ऐसे करना, ऊपर से लाते हुए उठा देना, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे करना, ठीक है यार। अभी तुम करना यार, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ ना ऐसे सेम टू सेम स्पंज लाना, हवा में उठा देना, लाते लाते स्पंज को हवा में उठा देना, ताकि ये पैटर्न पूरे के पूरे क्रिएट हो जाता है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ बिगड़ गया तो मैं सेट कर दूंगा। अभी तुम स्टार्ट करो, ओके ना। राम राम। इतना नहीं होता क्लब को जे फ्री कौन, हैंड फ्री रखो, यू कर रहे हैं ना उठा दो, यू ला रहे हैं ना यू उठा दो, ठीक है, यू उठा दो, बस ऐसे ही करना है। तो यू यू करके यू उठा दो, लाते लाते ऐसे उठा लेना, बस उतना अच्छा, इसे लाते लाते वैसे उठा लेना, छोटा लेना बस। से गुड, पास पास में, राइट राइट राइट। राइट राइट हरन, 100% परफेक्ट, 100%, 101%। थैंक यू। थैंक यू बने ना, आपके वजह से मैं तो ये आ गया है। और ये जो इलेक्ट्रिक मिटा दो, लाइन है ना उसको मिटा दो, हाँ करो राइट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो दीवार पे कहना बिल्कुल एक भी पैच और जेंट नहीं आए, ताकि ये जो पूरे का पूरा टेक्सचर आयरन मेकिंग करा और साथ में मैं रह के गाइड करा। और दोस्तों ये जो वीडियो ना बीच में इसलिए रुका कि मैं वहाँ से लाइव करने वाला था, जहाँ पर अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल नेट नहीं है, तो लाइव नहीं बन पाई है। तो दोस्तों ये जो है ना पूरे के पूरे आर्यन करा, ये है आर्यन से हाय दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरी ट्रेनिंग देने की तरीका आपको पसंद आई, तो यार इस वीडियो को लाइक मारना यार, और बिना लाइक मारे हुए वीडियो से बाहर मत जाना यार। अगर आए तो यार कमेंट भी कर देना। मैं आपको बताया था मैंने पहले चार पैटर्न इस वीडियो में क्रिएट करके दिखाया, तो आपको कौन सा पैटर्न अच्छी लगी वो मुझे कमेंट में कर देना, 1 2 3 4 या, ठीक है। आपको कौन सा कमेंट पसंद है उसका अंक डाल के वो कमेंट बता देना, मैं उसका वीडियो फुल टू फुल वॉल पर करके आपको दिखा दूंगा। सो फ्रेंड्स लाइक तो ज़रूर मांगता है यार, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच।